जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल बात करेगा ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर, जिसको अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था निचले स्तरों पर, 10 रुपये 11 रुपये के अराउंड शेयर करा था और उसके अंदर शुरू हो चुका है एक्शन और एक पॉजिटिव न्यूज आई है, सब अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके भाई आपके दोस्त राकेश को मोटिवेशन मिलता है। तो कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर, NSE का सिंबल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इसको रिसेंटली मैंने निचले स्तरों पर आपके साथ शेयर करा हुआ है एज अ मल्टीबैगर स्टॉक, जहां मुझे लगता है 8-10% की अपसाइड देखने को मिल सकती है और इसके अंदर हुई है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। कंपनी की सब्सिडरी बीटा विंड फार्म विच हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 242 मेगावाट इन तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश हैज प्रपोज्ड अपग्रेडेशन ऑफ 15 विंड एनर्जी जनरेटर्स फॉर इंप्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इन 15 विंड एनर्जी जनरेटर में से 5 हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड और रिमेनिंग जो है 10 विल कंप्लीट शॉर्टली। कंपनी ने रिसेंटली अपनी BSE की अनाउंसमेंट क्लियरली बोला है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 विंड एनर्जी जनरेटर अपग्रेडेशन दीज मशीन्स विल कंट्रीब्यूट 4.16 करोड़ यूनिट्स पर एनम विच विल ट्रांसलेट टू टॉप लाइन ऑफ 19 करोड़ एज देर इज नो कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ विंड पावर। दिस अपग्रेडेशन विल इम्प्रूव प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय 19 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 33 करोड़ सीधा का सीधा 19 करोड़ से बढ़ता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ट्रेंड देखें फाइनेंशियल ईयर 20 में 20 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 में नेगेटिव -57 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में 36 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में 33 करोड़, और अब कंपनी की अनाउंसमेंट बोल रही है कि ये बढ़ सकता है 19 करोड़ से। ये एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है। इसी कारण से अगर आप देखें तो सोमवार को स्टॉक 8% ऊपर था और स्टॉक एक अपवर्ड मूव में चलना शुरू हो गया है, और इसके साथ साथ कंपनी ने अपने डेट को रीफाइनेंस कराया जो कि अगेन बचाता है इंटरेस्ट कॉस्ट को। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, मैंने ये सब आपके साथ शेयर करा हुआ है, ये वीडियो शेयर करा हुआ है, इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को वॉच कीजिए। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेक्निकल चार्ट। तो ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, चार्ट के ऊपर देखें तो 7.5-8 रुपये नीचे में एक अच्छा बेस है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया 7 गुना 8 गुना 10 गुना वाला स्टॉक लगता है, बट एक बार ये 24-25 रुपये हो जाए तब इसको रिव्यू करेंगे। टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और अभी भी अगर आपको रिवर्सल नहीं दिख रहा है तो ये देखिए इसका इन्वर्स चार्ट, रिवर्सल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आई एम बुलिश ऑन द काउंटर। नीचे से मैंने इसको रिकमेंड करा हुआ है, जिनके पास है जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड टाइट सेट टाइट, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है डिप्स पे लेने की चेष्टा करें। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक निचले स्तरों पर जिन स्तरों पर आपके साथ शेयर करा है हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा हुआ है, कन्विक्शन है तो उनको भी रिकमेंड करा हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अपना प्यार और स्नेह यूं बनाए रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न।